मानस की जात सब है एक है पहचान वो, और इंसान है तो इंसानियत कायम रहनी चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर इतना गिर गया है कि लोगों को सर्दी की कपड़ों की बहुत जरूरत है। देश के पहले रोटी बैंक ने तुर्की में आए भूकंप की आपदा में राहत पहुंचाने की पहल की है। बुंदेलखंड में महोबा पहला जगह है जहाँ से तुर्की को आर्थिक और राहत सामग्री रोटी बैंक द्वारा भेजी गई है। पहली खेप में रोटी बैंक में शामिल सभी संप्रदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर आम दिनचर्या में उपयोग होने वाली सामग्री सहित खाद्य सामग्री भेजी है। रोटी बैंक आम लोगों को भी आपदा के समय में मदद के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। भूखों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले रोटी बैंक की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। ये जी तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है इसमें बहुत सारी आपदा आई है, इसमें मदद के लिए भेजा जा रहा है। और क्या-क्या भेजा जा रहा है? इसमें चावल भी है 5 क्विंटल और 100 कंबल हैं, कैप हैं, सैनिटरी पैड हैं 100, और भी तरह तरह की इमदाद की जा रही है। 25,000 रुपये कैश भी भेजा जा रहा है और आगे भी इस तरह की मदद जाएगी। ये हमारा वादा है कि हम लोग और भी इस तरह मदद करते रहेंगे, जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी इस तरह की मदद की जाएगी। सरदार जी, क्या बुंदेलखंड के अंदर पहला ऐसा महोबा जिला है या रोटी बैंक ऐसा पहला है जिसके कारण ये सहायता की जा रही है? जी हाँ, ये महोबा में क्या पूरे बुंदेलखंड मंडल में ये रोटी बैंक द्वारा पहली खेप भेजी जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम महोबा जिले के हैं और हमारे महोबा जिले में रोटी बैंक है जो इतनी सेवा कर रहा है। मानस की जात सब है एक है पहचान वो, ये गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांत है। धर्म हमारा कोई भी हो, सबसे पहले हम इंसान हैं, और इंसान हैं तो इंसानियत कायम रहनी चाहिए। अगर इंसानियत कायम नहीं है तो हमारे ज़िंदगी प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है, कोई अकर्थ है जीवन। सरदार जी, के आने वाले समय पे और भी राहत खेप भेजने का विचार आप लोगों का है? जी जरूर जरूर, अगले संडे में भी कुछ जाएगी राहत और जितनी संभव होगी जरूर सेवा की जाएगी। तुर्की में जो दैवीय आपदा आई है उसमें इंडियन रोटी बैंक के द्वारा, महोबा के द्वारा भेजी जा रही, वहाँ एम्बेसी में मुट्टन चचा की बात हुई है तो ये वहाँ एम्बेसी जाएगी, एम्बेसी से तुर्की जाएगी। और ये बुंदेलखंड में पहला खेप है महोबा इंडियन रोटी बैंक का जो यहाँ से राहत सामग्री जा रही है। भैया, ऐसा काम जो हो रहा है और केवल बुंदेलखंड के पहला ऐसा जिला है जहां महोबा से ये शुरुआत हुई है, तो क्या ऐसे कार्य लगातार देश में अन्य कई जगह होना चाहिए और कैसे लोगों को इसमें बड़े योगदान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये प्रेरणा हर किसी को इंडियन रोटी बैंक से लेना चाहिए। जब यहाँ महोबा में इंडियन रोटी बैंक शुरुआत हुई थी तो संभवतः देश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज देखिए आप, बनारस में रोटी बैंक के नाम से चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा है, कई जगह चला है। तो ये महोबा जो का रोटी बैंक है ये देश में अन्य जगहों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और ये अपने उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि पहली खेप इंडियन रोटी बैंक महोबा के द्वारा भेजी जा रही है। और ये प्रेरणा लेके सब लोग आगे काम करेंगे, जितनी संस्थाएं हैं, जब पंजाब हरियाणा के लोग भेज रहे हैं और यहाँ का प्रेरणा लेके सभी लोग सहयोग करके अगली खेप भी जल्दी भेजेंगे। क्या-क्या भेजा जा रहा है इसमें? वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से कंबल हैं, चावल है, ऊलन कैप हैं, इस तरह के एक पूरा पैक बना के पैक करा के भिजवाया जा रहा है। भैया, क्या लगता है कितनी राहत दे पाएगा ये सामान? देखिए, ये राहत वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से है, जितनी क्षति हुई है उसके हिसाब से कम है, संक्षिप्त है, लेकिन ये प्रेरणादायक है। ये मात्रा को आप वो नहीं कर सकते, ये प्रेरणा है, एक शुरुआत है। शुरुआत हो कि जनभावना में गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो कार्य होता है वो बहुत दूर तक जाता है। तो इसी तरह का इंडियन रोटी बैंक के द्वारा जो प्रेरणा हुई है ये चारों तरफ जाएगी और उससे प्रेरणा मिलेगी। तो ये सतत प्रक्रिया है राहत पहुँचाने के लिए। जैसा कि सब लोगों ने देखा होगा कि तुर्की में भूकंप आया है, वहाँ लाखों लोग इससे पीड़ित हुए हैं, बहुत से बच्चे यतीम हो गए, बहुत सी महिलाएं हुए हैं, लोग भूख से भी हैं। और वहाँ का टेम्परेचर इतना गिर गया है कि लोगों को सर्दी की कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। इसका उनका दर्द रोटी बैंक के सदस्यों ने महसूस किया, उसको जाना उनके आंसुओं के साथ हुए, क्योंकि हम भारतीय थे और भारत का हमेशा संदेश रहा है विश्व बंधुत्व का, और भारत विश्व बंधुत्व देता रहा है। पूरे संसार के लोगों का दर्द अपने दिल में सहता है, उनके साथ रोता है। उसी चीज़ को जानते हुए हम लोगों ने तुर्की को भेजने का फैसला किया। इसमें हमारे 100 कंबल,
5 क्विंटल वनस्पति बासमती चावल, 450 सैनिटरी पैड, 100 गर्म टोपी, 100 गर्म बोझी और 25,000 रुपये हम लोगों ने पहले ही कैश भेज दिए जी। हमारा कल जी सामान चला जाएगा और अगर वहाँ से कोई डिमांड आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि जाए। किस तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं सामग्री को, कौन कौन लोग हिस्सेदार बन रहे हैं आपके साथ में, कैसे ये धनराशि इकट्ठा करके भेज रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग रोटी बैंक के लोग भी हैं, कुछ हमारे साथ शहर के अलग से लोग हैं, जैसे मकुंद फाउंडेशन का हमारे साथ बड़ा योगदान रहा है, गुरुद्वारे का हमारे साथ बड़ा योगदान रहा है, उसके बाद जो 5500 रुपये का एक मस्जिद से योगदान रहा है वो जंटी की मस्जिद है, और बाकी माहौल हमारे रोटी बैंक के सदस्यों ने ही किया है। आम पब्लिक से हम पैसा करते नहीं, हम लोग इतने सक्षम है कि कर सकें। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम? समाज को हम ये संदेश देते हैं कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और इंसान हैं, हम दूसरे के दिलों को, दर्दों को जाने, उनके दुखों को सहे, उनके आंसुओं को जिए। हमें मालूम होना चाहिए कि एक इंसान को जब विपदा आती है तो वो किस तरह से यतीम और मिस्कीन हो जाता है, उसे किस किस चीज़ों की, तो उसके दर्द को जानेंगे तो हमारे अंदर मानवता पैदा होगी, दया पैदा होगी, और वो दया, वो मानवता, वो प्रेम हमसे वो काम स्वयं करा लेगा और स्वयं वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि वो कार्य हो जाएगा। चाचा, ये बुंदेलखंड का जो कार्य हो रहा है, ये सबसे अनोखा कार्य है क्या, पहली बार हुआ है ऐसा महुआ से? देखिए, महुआ का तो हमें इतिहास पता नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ, रोटी बैंक की तरफ से ये पहली बार हो रहा है बुंदेलखंड में। उसके पहले लोग क्या करते रहे वो लोगों को पता होगा। आज जो है वो रोटी बैंक जो आपके सामने, आप लोग भी जानते कर रहे हैं वो आप। एक कार्यक्रम के माध्यम से इकट्ठा की गई सामग्री को आज दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास में भेजा जाएगा, जहां से उक्त राहत सामग्री तुर्की में भूकंप पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी।